चित्तौड़ दुर्ग फतेह करने के बाद अकबर 3 दिन तक दुर्ग में रुका। वह 28 फरवरी को अजमेर के लिए निकला। अकबर चित्तौड़ किले से मांडल तक पैदल पहुंचा और वहां से सवार होकर अजमेर से थोड़ी दूर पहुंचकर फिर पैदल चला और दरगाह पहुंचा, क्योंकि अकबर ने मन्नत मांगी थी कि चित्तौड़ का किला फतेह करके पैदल अजमेर दरगाह जाएगा। 6 मार्च 1568 ईस्वी को अकबर अजमेर पहुंचा और 10 दिनों तक यहीं रहा। उसने 9 मार्च को चित्तौड़ विजय का फतेहनामा जारी किया। अकबर ने चित्तौड़ के किले से सभी राजचिन्ह उतरा दिए थे और नक्कारे, एक मंदिर का भव्य दीपक व कुछ दरवाजे अपने साथ आगरा ले गया था। अकबर द्वारा चित्तौड़ से आगरा ले जाए गए। कुछ द्वारों में एक पीतल का दरवाजा भी था जो कि रानी पद्मिनी के महल का था। अकबर ने आगरा पहुंचते ही जयमल और पत्ता जी की हाथी पर सवार मूर्तियां बनवाई, जिन्हें बाद में औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था। किसी अनजान घर के बाहर रखी इन खंडित मूर्तियों का फोटो जेम्स बगलर ने खींचा था। 1863 ईस्वी में ये मूर्तियां दिल्ली के कूड़े करकट में मिली और वर्तमान में ये मूर्तियां दिल्ली के संग्रहालय में रखी गई है। एक हाथी वहां के पब्लिक पार्क में रखा हुआ है और दूसरे हाथी का कुछ पता नहीं है। अकबर ने जयमल पत्ता की मूर्तियों वाले द्वार पर एक दोहा खुदवाया, जयमल बढ़तो जीवने पत्तो बाए पास हिंदू चढ़िया हाथियां अड़ियो जस आकाश। इसका अर्थ है बाहर के दरवाजे से घुसते हुए दाहिनी तरफ जयमल राठौड़ व बाई तरफ पत्ता चुंडावत की मूर्तियां हैं। मूर्ति में ये दोनों वीर हाथियों पर चढ़े हुए हैं और इनका सूर्यास्त और भी ऊपर उठकर आकाश तक जा पहुंचा है। जूनागढ़ दुर्ग या बीकानेर दुर्ग के सूरज पोल द्वार पर भी जयमल पत्ता के हाथी पर सवार पाषाण मूर्तियां हैं। नेपाल के भटगाव नामक कस्बे में स्थित एक मंदिर न्याद फोल के बाहर भी जयमल पत्ता के पत्थरों की मूर्तियां निर्मित है। सर टॉमस रोजो अकबर के दरबार में हाजिर हुआ था। उसका पादरी एडवर्ड लिखता है, चित्तौड़ एक पुराने बड़े राज्य का खास शहर है जो कि ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। इसकी शहर पनाहे का घेरा कम से कम 10 अंग्रेजी मील के बराबर होगा। आज तक यहाँ पर 200 से ज्यादा मंदिर और बहुत से उम्दा और पत्थर के 1 लाख मकानों के खंडर नजर आते हैं। अकबर बादशाह ने इसको महाराणा उदय सिंह से फतेह किया था। वह महाराणा एक कदीम हिंदुस्तानी रईस था। मुगल फौज ने चित्तौड़ पर इस हमले में कुल तकरीबन 7500 किलो बारूद का इस्तेमाल किया था। चित्तौड़ का कत्लेआम अकबर के चरित्र का सबसे बड़ा दाग माना जाता है। 4 महीनों तक चले इस भीषण युद्ध में तकरीबन 30,000 मुगल मारे गए थे। अकबर के जीवन काल में उसे सबसे ज्यादा फौजी नुकसान इसी युद्ध में हुआ था और उन 8,000 वीर राजपूतों का पराक्रम अकबर जीते जी न भूल पाया था। इस युद्ध के बाद कुछ अन्य बागी शासकों ने भयभीत होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा उदय सिंह अब भी अपने इरादों पर टिके हुए थे। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा। इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर जुड़े रहे हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।